मेहता जी तो ना उंगली काट के सही देने वाला काम करते हैं, या तो वो इस्तीफा देते हैं अगर उन्होंने दिया। इस्तीफे की बात है तो 29 जुलाई को मैंने विधायक जी का इस्तीफा मांगा था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। वो विधायक का इस्तीफा कराए, मैं डिप्टी मेयर के पद से इस्तीफा दोनों में दौड़ूंगा, विधायक की कुर्सी दे और डिप्टी मेयर की ले ले। मेहता जी का अपना पर्सनल विषय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेहता जी तो ना उंगली काट कर शहीद होने वाला काम करते हैं, या तो वो इस्तीफा देते अगर उन्होंने देना तो डिप्टी मेयर से इस्तीफा देते, क्योंकि जो पद है डिप्टी मेयर का वो ऑफिशियल मेंबर है एफएमसी कमेटी का, ना कि मेहता जी मेंबर है। मेहता जी ने कोई फॉर्म नहीं भरा, मेहता जी कोई उसके मेंबर नहीं है, मेहता जी नहीं डिप्टी मेयर मेंबर है। डिप्टी मेयर कोई भी होगा वो उसका ऑफिशियल मेंबर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने उस कमेटी से अपना इस्तीफा देना तो वो पहले अपने डिप्टी मेयर पद से इस्तीफा दें, उसके बाद वो फिर उसमें कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि जी मेरा इसमें कोई वो नहीं है तो वो कमेटी के अंदर मीटिंग में नहीं जा सकते, वो तो उनका अपना राइट है कि मीटिंग में जाए या ना जाए, वो उनका अपना विषय है। देखिए मैं किसी के कहने से ना तो फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन से इस्तीफा दिया था, और ना ही ऐसा कोई इस्तीफा मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको तकलीफ यही है कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ और वो जनता के काम को रोकने का काम करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं आगे पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो 29 जुलाई को मैंने विधायक जी का इस्तीफा मांगा था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। वो विधायक का इस्तीफा कराए, मैं डिप्टी मेयर के पद से इस्तीफा तुरंत दे दूंगा, विधायक की कुर्सी दे और डिप्टी मेयर की ले ले, क्योंकि उनको निगम से बहुत प्यार है। धन्यवाद। मेहता जी तो ना उंगली काट कर शहीद होने वाला काम करते हैं, या तो वो इस्तीफा देते हैं अगर उन्होंने दिया। इस्तीफे की बात है तो 29 जुलाई को मैंने विधायक जी का इस्तीफा मांगा था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। वो विधायक का इस्तीफा कराए, मैं डिप्टी मेयर के पद से इस्तीफा दोनों में दौड़ूंगा, विधायक की कुर्सी दे और डिप्टी मेयर की ले ले। मेहता जी का अपना पर्सनल विषय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेहता जी तो ना उंगली काट कर शहीद होने वाला काम करते हैं, या तो वो इस्तीफा देते अगर उन्होंने देना तो डिप्टी मेयर से इस्तीफा देते, क्योंकि जो पद है डिप्टी मेयर का वो ऑफिशियल मेंबर है एफएमसी कमेटी का, ना कि मेहता जी मेंबर है। मेहता जी ने कोई फॉर्म नहीं भरा, मेहता जी कोई उसके मेंबर नहीं है, मेहता जी नहीं डिप्टी मेयर मेंबर है। डिप्टी मेयर कोई भी होगा वो उसका ऑफिशियल मेंबर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने उस कमेटी से अपना इस्तीफा देना तो वो पहले अपने डिप्टी मेयर पद से इस्तीफा दें, उसके बाद वो फिर उसमें कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि जी मेरा इसमें कोई वो नहीं है तो वो कमेटी के अंदर मीटिंग में नहीं जा सकते, वो तो उनका अपना राइट है कि मीटिंग में जाए या ना जाए, वो उनका अपना विषय है। देखिए मैं किसी के कहने से ना तो फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन से इस्तीफा दिया था, और ना ही ऐसा कोई इस्तीफा मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको तकलीफ यही है कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ और वो जनता के काम को रोकने का काम करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं आगे पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो 29 जुलाई को मैंने विधायक जी का इस्तीफा मांगा था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। वो विधायक का इस्तीफा कराए, मैं डिप्टी मेयर के पद से इस्तीफा तुरंत दे दूंगा, विधायक की कुर्सी दे और डिप्टी मेयर की ले ले, क्योंकि उनको निगम से बहुत प्यार है। धन्यवाद।